तो गुरु कैसे हो? आजकल दुनिया में ससुरी शांति नाम का कोनो चीजे नहीं, जहाँ देखो तहाँ मारसारी को यही चल रहा। जब से रसिया यूक्रेन के बीच मारपीट चालू हुआ है, तब से ये बात ही देखने वाली हो गई है कि कौन देश किसका साथ देता है। और इसी बीच हमें एक से एक धमकियां सुनने को मिलती है, कभी अमेरिका रसिया को देगा तो कभी रसिया अमेरिका को धमकाने के बाद घसीटेगा यूरोप को। अरे छोड़ो, ऐसा तो चलता रहता है, असली मजा तो इधर है। ये सब था चीरी मेरी धमकी, अब सुनो डायरेक्ट धमकी। हुआ कुछ ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम रह चुकी बोरिस जॉनसन को पुतिन चचा ने धमका दिया है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। बोरिस का कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पे हमला करने से पहले उनको एक टुच्चू से फोन कॉल में बातचीत के दौरान मिसाइल हमले की धमकी दी थी। इस बात का खुलासा हुआ है बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री में, जिसका नाम है पुतिन बनाम द वेस्ट। इस डॉक्यूमेंट्री में दुनिया के कई नेताओं के साथ साथ पुतिन चचा की बातों का भी खुलासा किया गया है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बताती है कि बोरिस का साफ साफ कहना है कि फरवरी 2022 में एक बहुत लंबी फोन कॉल के दौरान पुतिनवा ने धमकी दिया हमको, डायरेक्ट चेतावनी दे दिया ससुरा। बोरिस के तहत पुतिन चचा ने बोरिस को एक बिंदु पर धमकी दी। पुतिन चचा ने बोला कि बोरिस मैं तुमको चोट नहीं पहुंचाना चाहता, बच्चों में गिनती कर लिया इसको, लेकिन एक मिसाइल के साथ ऐसा करने में केवल एक मिनट लगेगा चेला। अब इतना कुछ सुनने के बाद बोरिसवा बोलता है पुतिन से कि तुम जैसे ही यूक्रेन पे हमला करोगे वैसे ही तुरंत पश्चिमी देश प्रतिबंध लगा देंगे रूस पे। बोरिस जॉनसन ने पुतिन से इतना कहने के बाद रूसी सेना को एक्शन ना ले यूक्रेन पे इसके लिए मना भी किया था, लेकिन क्या फायदा, गेम बच गया यूक्रेन का। जेलेंस्की भैया को कितना समझाया था पुतिन चचा ने कि चेला नाटो में मत जा, लेकिन नहीं, हमको जाना है तो जाओ। और हाँ, एक और जरूरी बात, गुरु मेरा एग्जाम चालू होने वाला है तो अभी वीडियो कम आएंगी और लेट आएंगी, तो थोड़ा झेल लेना क्योंकि यार पढ़ाई भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गुरु बस आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना।